हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू आवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास इलेवन थर्मोडाइनमिक्स का लास्ट टॉपिक दैट इज़ कारनाट इंजन तो हमने यहाँ तक की जितने भी वीडियोस बना लिए हैं इस चैप्टर के उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाके प्ले लिस्ट को थ्रू कर सकते हैं ऑल्सो यहाँ तक के हमने सभी चैप्टर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप जाके अपने चैप्टर्स को वो थ्रू कर सकते हैं रिवाइज कर सकते हैं आज हम बात करेंगे अबाउट कारनाट इंजन कारनॉट इंजन क्या है ठीक है ये कैसे यूज में आया इसकी क्या वर्किंग होती है क्या एफिशिएंसी होती है सब हम पढ़ेंगे बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्नोट जो थे वो एक साइंटिस्ट थे दैट इज इनका पूरा नाम था सेडी कार्नोट सेडी कार्नोट ठीक है इन्होंने क्या किया इन्होंने देखा कि भाई एटीन इन एटीन फिफ्टीन ठीक है एक वॉर हुआ था बिटवीन नेपोलियन एंड फ्रांस ठीक है जिसके अंदर जो फ्रांस था वो हार गया था ठीक है तो सैडी कार्नोट ने देखा भाई ये हारा क्यों है इसका मेन रीज़न क्या है उसने देखा कि भाई जो भी हमने चीज़ें यूज़ करी हैं ना ठीक है न, वो हमारी जो चीज़ें थी ना वो कम एफिशिएंट थी जो ब्रिटिशर्स ने जो चीज़ें यूज़ करी हैं जो इंजन्स यूज़ करे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो वो जो इंजन्स यूज़ कर हैं हीट इंजन्स जो यूज़ करे हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी उनके काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी ठीक है तो ऑब्वियसली वही देश जीतेगा जिसके पास बड़े बड़े काम करने के लिए बड़ी बड़ी टेक्निक्स होंगी ठीक है बड़े बड़े इंजन्स होंगे बड़ी बड़ी डिवाइसेस होंगी ऑब्वियसली आज के टाइम भी अमेरिका को हम मानते हैं ठीक है क्यों मानते हैं क्योंकि भाई उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके पास वो क्या कर सकते हैं वॉर क्रिएट कर सकते हैं और बाकी सारे देशों के पास अगर नहीं है तो वो क्या करेंगे वो डर के बैठ जाएंगे कि भाई हमारे पास तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है वॉर हुआ वो हमारे पे बॉम्ब गिराएंगे हम चले जाएंगे भाई ठीक है हार जाएंगे हम तो तो फिर उसने ये देखा कि भाई फ्रांस हारा क्यों है क्योंकि हमारे पास जो काम करने के इंजन्स थे हीट इंजन्स थे वो कम थे कम थे उनकी एफिशिएंसी कम थी हमें पता ही नहीं है वो वर्क कैसे करते हैं उसकी हम एफिशिएंसी काम करने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं और ब्रिटेन जो था उसके पास काम करने की जो इंजन्स थे वो सारे बहुत अच्छे थे उनके पास बहुत अच्छी मैक्सिमम एफिशेंसी थी ठीक है फिर उसने अपने आप को थोड़ा सा और देखा कि मैं इसको कैसे देख सकता हूँ किस तरीके से देख सकता हूँ हीट इंजन्स को उसने ना स्टडी करना स्टार्ट करा फिर उसने इन 1824 में एक फाइनल रिपोर्ट बोली उसने कहा कि भाई जो हीट इंजन्स होते हैं ना हीट इंजन्स को मैं कंपेयर करूँगा किससे वाटर मिल्स के साथ ठीक है वाटर मिल्स के साथ उसने उसको कंपेयर किया वो क्या कहता है वो कहता है कि भाई वाटर मिल से काम लेना है मेरे को ठीक है जिसे जिसे हम बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स याद आया हमने टेंथ में भी पढ़ा हुआ है हाइड्रो पावर प्लांट्स वो क्या होते हैं वाटर मिल्स बोलो या हाइड्रो पावर प्लांट्स बोलो क्या होते हैं कि एक वाटर का रिजर्वर होता है ठीक है वाटर का रिजर्वर होता है तो उसको हम फॉल करवाते हैं हाइट से हम उसको फॉल करवाते हैं टर्बाइन के ऊपर ठीक है टर्बाइन से हम फॉल करवाते हैं और टर्बाइन घूमती है और फिर हमें क्या मिलती है इलेक्ट्रिसिटी मिलती है यानी कि वाटर से भी काम कराना है तो हमें उसकी क्या करानी पड़ती है उसको गिराना है। हमें उस पे काम करना है। राइट वाटर पे काम करना पड़ता है ताकि हम उससे काम ले सके इन शॉर्ट काम करना पड़ता है सो so दैट हम उससे काम ले सके तो सेम चीज उसने हीट इंजन के बारे में बोली क्या बोला उसने बोला कि हीट का मतलब क्या हुआ हीट का मतलब हुआ टेम्परेचर ठीक है तो हमें टेम्परेचर को भी या तो गिराना पड़ेगा या उठाना पड़ेगा कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा सो so दैट हम इससे काम ले सकें हीट इंजन से काम ले सकें ठीक है तो यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस आना जरूरी है पहला स्टेप ठीक है टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए या तो हॉट टू कोल्ड या हॉट टू कोल्ड या तो हॉट टू कोल्ड या फिर कोल्ड टू हॉट क्या मतलब है इसका कि अगर हम किसी चीज को ठंडा करते हैं तो हम उसको गर्म करेंगे तब हम उससे काम ले सकते हैं या फिर अगर हम गर्म है उसको ठंडा करेंगे तो हम उससे काम ले सकते हैं तो ये उन्होंने डेफिनेटली बोला कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए अगर हमें हीट इंजन से काम लेना है ठीक है और हीट इंजन की जो एफिशेंसी है एफिशियंसी मतलब कितना अच्छा वो वर्क कर सकता है हाउ गुड ठीक है कितना अच्छा काम कर सकता वो है वो जो एफिशिएंसी है वो इसी टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है ठीक है टेम्परेचर डिफरेंस पे ही डिपेंड करती है एफिशिएंसी इसकी डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द डिवाइसेस ठीक है अब इसका एग्जाम्पल समझो हमें पता है कि सर्दियों में कार की माइलेज क्या होती है ज्यादा आती है एज कंपेयर टू गर्मियां माइलेज का मतलब वही ना कि एक लीटर में वो कितना चल पा रही है है ना एक लीटर में वो कितना चल पा रही है तो वो उसकी इंजन की क्या होगी एफिशिएंसी हो गई ठीक है तो विंटर्स के अंदर जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा आती है एज़ कंपेयर टू समर्स के अंदर जो एफिशिएंसी आती है क्यों क्योंकि अगर हम इसको हीट कर रहे हैं इंजन को हीट हम कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं हम उसको गर्म कर रहे हैं बाहर सर्दियाँ तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो, है, तो इंजन इंजन ज़्यादा अच्छे से काम करता है माइलेज विंटर्स में ज़्यादा आती है अब समर्स की बात करें एक तो इंजन को हम हीट कर रहे हैं बा, बाहर भी हीट है तो उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से माइलेज इतनी ज़्यादा नहीं आती है ठीक है तो विंटर्स के अंदर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है जब हम कार की बात कर रहे हैं कार के इंजन की बात कर रहे हैं एज़ कंपेयर टू तो गर्मियों की तो ये तो हो गया इसका एक एग्ज़ाम्पल फिर उन्होंने सोचा कि भाई मैं अपनी तरफ से एक ऐसा इंजन तैयार करूंगा जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी क्यों क्योंकि मैंने बेसिक आइडिया तो लगा ही लिया कि उसकी एफिशिएंसी मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ टेम्परेचर डिफरेंस से बढ़ा सकता हूँ ठीक है तो ये बेसिक आइडिया लेकर उन्होंने बोला कि मैं एक साइकिल मैं एक इंजन तैयार करूँगा और उस इंजन का नाम बोला उन्होंने कार्नॉट इंजन ठीक है कार्नॉट इंजन को पढ़ने से पहले एक चीज आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि कार्नॉट इंजन जो है वो एक आइडियल ऑब्जेक्ट है आइडियल ऑब्जेक्ट है आइडियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है जैसे हम बोलते हैं आइडियल गैसेस बोलते हैं है ना आइडियल गैसेस बोलते हैं उसी को ही मेन मानते हैं पी वी इक्वल्स टू मी आर टी वो मेन मानते हैं उसके बाद फिर हम बाकी सारे गैसेस की बात करते हैं और हमें पता है कि रियल में आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना सेम सेम यही चीज है कि नॉट इंजन एक आइडल ऑब्जेक्ट बनाया गया बट रियल में ऐसा नहीं होता कि इतना एफिशिएंटली कोई वर्क कर जाए ठीक है जैसे सी बात है ना जैसे मैंने आपको बताया था कि आइडियल गैसेस जो होती हैं उसको हम बेस मानते हैं वही सब चीज़ें होती हैं ठीक है आइडल ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं हम हर एक आइडियल चीज़ बोलते हैं जिसको हम एक रेफरेंस मान के चलते हैं कि यही हमारी परफेक्ट चीज़ है बट बत हमें पता है नेचर में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है तो सेम कार नॉट इंजन को भी हमने एक आइडियल ऑब्जेक्ट माना है इन टर्म्स ऑफ एफिशियंसी कि हाँ जी इससे ज़्यादा एफिशिएंट और कोई नहीं हो सकता इससे ज़्यादा क्या इसके इक्वल भी कोई इंजन ऐसा प्रिपेयर नहीं हो सकता जिसकी इतनी एफिशिएंसी हो ठीक है एफिशिएंसी क्या है इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो निकल के आती है वो आती है आपके पास वन माइनस टीसी अपॉन में टी एच ठीक है ये मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है ये कैसे आई है वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से दिस इज वन माइनस टीसी एन की कॉल टेम्परेचर एंड हॉट टेम्परेचर जो डिवाइस एट कोल्ड टेम्परेचर डिवाइस एट हॉट टेम्परेचर तो इससे डाल के हम उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं बट इस एफिशिएंसी के अंदर हमने बहुत सारे फैक्टर्स निग्लेक्ट कर दिए हैं है ना ये तो टेम्परेचर टेम्परेचर की बात होगी बाकी भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर ही अभी आपको सर्दियाँ गर्मियों का फैक्टर्स बता दिया फ्रिक्शन का फैक्टर हो सकता है ठीक है इंजन टू इंजन डिपेंड कर सकता है कंपनी टू कंपनी डिपेंड कर सकता है हम किन एनवायरमेंट्स में कर रहे हैं वो फ्यूल का नेचर ये सारे फैक्टर्स हमने निगलेक्ट कर दिए सिर्फ टेम्परेचर की बात करी तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक एजम्पन है हमारे एक दिमाग में बात चल रही है ठीक है बट बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो इतनी एफिशिएंसी दिखा दे जितनी कार्नॉट दिखाता है तो दैट्स वाई हमने एक को क्या बोल दिया एक आइडियल ऑब्जेक्ट है सेकंड बात ये एक साइक्लिक प्रोसेस है कार्नॉट इंजन को बनाना क्या है एक साइक्लिक प्रोसेस है और ये क्या है कॉन्टिन्यूसली वर्क करता है कॉन्टिन्यूसली वर्क करता है ठीक है साइक्लिक का मतलब क्या हो गया कि इस इंजन के अंदर क्या होगा जहां से हमने शुरू करा वहीं पर ख़त्म जहां से शुरू किया वहीं पर ख़त्म जहां से शुरू किया वहीं और यही प्रोसेस चलता रहता है दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं और चलता रहता है कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है ये इंजन दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कि कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है अब ये है क्या कैसे वर्क कर रहा है लेट अस डिस्कस तो कार्नोट इंजन हमें बनाना है क्यों बनाना है ताकि हम इसको टेम्परेचर डिफरेंस दें और इससे हम क्या ले सकें काम ले सकें ऐसे हम अपनी मर्जी से थोड़े बना रहे हैं कि हाँ भी चलो खाली बैठे हैं तो इंजन बना लेते हैं इंजन क्यों बना रहे हैं ताकि हमें काम लेना है उससे है ना काम कैसे लेंगे हम उसका बेसिक आइडिया क्या था टेम्परेचर डिफरेंस करा के ठीक है तो उसके लिए बनाना है अब हमें तो सबसे पहले हम क्या स्टेप लेते हैं स्टेप वन हम लेते हैं हम प्रोसेस करते हैं इसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं तो ये स्टेप रहता है पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ये कैसे होती है ध्यान से देखेंगे इसके अंदर हम लेते हैं एक बीकर ठीक है इस बीकर का लेवल यहां तक है इसके अंदर मान लो कोई भी गैस फिल्ड है ठीक है जिसका प्रेशर पी वन है वॉल्यूम वी वन है टेम्परेचर टी वन है ठीक है आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर हमें क्या रखना है कांस्टेंट रखना है और एक्सपेंशन भी है यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर एक्सपेंशन करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा एक रिजर्वा लगाना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा रिजर्वा लगाना पड़ेगा तो रिजर्व का क्या मतलब होता है रिजर्वा का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर उसे टेम्परेचर चाहिए तो मैं दे देता हूँ नहीं चाहिए वापस देना तो मेरे को वापस दे दो तो रिज़र्वर का मतलब कि जो चीज़ें रिजर्व करके रखते हैं ठीक है रिजर्व करके रखते हैं इनके टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं ठीक है एक समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं फ़र्क पड़ेगा तो रिजर्वर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं तो अगर किसी भी प्रोसेस को काम कराने के लिए हीट चाहिए तो बेचारे दे देते हैं उनको हीट नहीं चाहिए वापस दे रहे हैं तो वापस ले लेते हैं तो ये रिज़र्वर्स बड़े अच्छे होते हैं ठीक है तो अब क्या है अब इसको टेम्परेचर को रखना है कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है फिर भी एक्सपेंशन करनी है तो एक्सपेंशन के लिए क्या होता है एक्सपेंशन के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है तो यहां से इसने इसको टेम्परेचर दिया हीट दी इसने इसको ठीक है इसने इसको हीट दी और गैस क्या हो गई एक्सपैंड हो गई तो फर्स्ट लेवल से गैस आ गई हमारे सेकेंड लेवल पर एक्सपैंड हो गई ठीक है एक्सपैंड होने से मतलब क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर कम होना चाहिए बट रिजर्वर लगा रखा था हीट मिल रही थी तो टेम्परेचर क्या रहा सेम दैट्स वाई इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन तो एक्सपेंशन हो गई है प्रेशर में चेंज आ गया P2 हो गया स्टेट टू पे वॉल्यूम में चेंज आ गया वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम में चेंज आ गया बट हम इसको हीट हमने दे दी जितनी इसको चाहिए थी एग्जैक्ट उतनी ही जितनी इसको चाहिए थी तो इसलिए टेम्परेचर वही रहा T1 जो फर्स्ट स्टेट पे था दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आइसोथर्मल टेम्परेचर इज़ फिक्स्ड ठीक है और इसके जो वॉल्स हैं इन वॉल्स को हमने बनाया है इंसुलेटेड वॉल्स यानी कि हीट यहाँ से बाहर ना जाए यहाँ से तो चली जाए ये वॉल तो हो गई आपकी कंडक्टिंग जो रिजर्वर के साथ लगा रखी है हमने ठीक है ये तो कंडक्टिंग होगी लेकिन ये वाली जो वॉल्स हैं ये कौन सी हैं इंसुलेटिंग वॉल्स हैं कि यहां से हीट इन और आउट नहीं होनी चाहिए ठीक है तो हम रिजर्वर से ही इन आउट कर सकते हैं बाकी से नहीं होनी चाहिए तो पहला स्टेप हमने ये कर दिया ठीक है तो सबसे पहले हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन करी है राइट नाउ अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पावर स्टेप सबसे पहले हम बोलते हैं पावर स्टेप क्यों क्योंकि यहां पे वर्क हो रहा है कैसे वर्क हो रहा है कैसे वर्क हो रहा है जब हमने इसको एक्सपेंशन करा रहे हैं तो ये पिस्टन यहाँ से मूव होके के यहाँ चला गया है ना यहाँ चला गया तो वर्क हो रहा है कौन कर रहा है वर्क इज डन बाय द सिस्टम है ना गैस एक्सपैंड हो रही है तो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम बाय द सिस्टम और इसको हम क्या बोल रहे हैं पावर स्टेप बोल रहे हैं इसको हम तो पावर स्टेप क्या होगा जहाँ पे वर्क हो रहा होगा क्लियर अब स्टेप टू पे आते हैं हम स्टेप टू पे, ठीक है स्टेप टू में हम क्या करते हैं स्टेप टू में हम लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन ठीक है एडियाबैटिक एक्सपेंशन अब इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन का क्या मतलब है वो कैसे कर रहे हैं हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन उसके लिए हम फिर से बीकर ले रहे हैं ठीक है अब ये जो सेकेंड लेवल पे आ गई है ठीक है अब यहां फिर से हमें क्या करनी है एक्सपेंशन करनी है लेकिन इस बार हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन करनी है एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो हीट होनी चाहिए वो इस बार कॉन्स्टेंट होनी चाहिए तो यानी कि हम अब यहाँ पर रिजर्वर हटा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम इंसुलेटेड पैड यानी कि ये वॉल भी हम क्या कर देंगे इंसुलेट कर देंगे कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी ठीक है तो यहाँ पर टू तक तो पहुंच गए थे हम एक्सपैंड होके आइसोथर्मल एक्सपेंशन करके टू लेवल तक तो पहुंच गए थे अब हमने इसको लेकर जाना है थ्री लेवल तक लेकर जाना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन करानी है ठीक है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए हमने रिजर्वर हटा दिया ठीक है और हमने क्या किया है अब हमने एडियाबैटिक मतलब हीट नहीं दे रहे हैं लेकिन अब टेम्परेचर तो चेंज होगा ही अगर बिना हीट के अगर हम इसकी एक्सपेंशन करा रहे हैं तो अब क्या होगा ऑब्वियसली टेम्परेचर में चेंज आएगा क्योंकि जब भी कोई चीज एक्सपैंड होती है तो उसका टेम्परेचर में डिफरेंस आता ही आता है तो टू स्टेट पर उसके पास प्रेशर था P2, V2 एंड टेम्परेचर था T1, ठीक है अब जैसे हमने इसकी एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराई है ठीक है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन से क्या हो रहा है टेम्परेचर में चेंज आ रहा है है ना तो क्या होगा अब थर्ड स्टेट पे वॉल्यूम प्रेशर में भी चेंज आ रहा है तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम भी और टेम्परेचर में अब टेम्परेचर पहले T1 था अब चेंज होगा तो अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा थर्ड स्टेट में T2 हो जाएगा टेम्परेचर ठीक है ओके okay. अब अगर मैं सिर्फ इतनी ही स्टेटमेंट का अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ सिर्फ इन दो स्टेप्स का मैं ग्राफ बनाती हूँ तो क्या बनेगा ग्राफ मतलब कि मैं बना रही हूँ आइसोथर्म बना रही हूँ मैंने आपको पहले भी बताया था आइसोथर्म का मतलब क्या होता है आइसोथर्म का मतलब होता है जब मैं पीवी ग्राफ बनाती हूँ या पीवी कर्व बनाती हूँ कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट अब टेम्परेचर कांस्टेंट तो सिर्फ मेरा फर्स्ट स्टेप में था है ना तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बनाती हूँ यहाँ पर प्रेशर प्रेशर डिफरेंस है यहाँ पर वॉल्यूम डिफरेंस है तो अगर मैं फर्स्ट का बनाती हूँ फर्स्ट में क्या हो रहा है प्रेशर मेरा क्या हो रहा है कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है ठीक है जब भी एक्सपेंशन होती है प्रेशर कम होता है वॉल्यूम क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो यानी कि मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ प्रेशर कम और वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है एंड यहाँ पे हमें पता चल रहा है पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट सो ये पर्टिकुलर जो चीज हो गई ये हो गया फर्स्ट स्टेप टू सेकेंड स्टेप ये हो गया मेरा आइसोथर्म जहां पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था सिर्फ ये इज द आइसोथर्म ठीक है अब सेकेंड में क्या हो रहा है सेकेंड में यहाँ पर भी प्रेशर क्या हो रहा है और हमने एक्सपेंड कर दिया तो प्रेशर और कम हो रहा है वॉल्यूम और बढ़ रहा है ठीक है और इस बार यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो यानी कि इस कर्व को मैं अब आइसोथर्म नहीं बोलूंगी ठीक है वो सिर्फ एक कर्व ही रहेगा आपका तो टेम्परेचर T1 से T2 पर प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है वॉल्यूम फिर बढ़ रहा है प्रेशर फिर कम हो रहा है तो फिर से हमें एक ऐसा छोटा कर्व मिलेगा टू टू थ्री स्टेट ठीक है यहाँ पर भी प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बट टेम्परेचर में भी क्या आ रहा है चेंज आ रहा है क्यों क्योंकि हमने यहाँ पर इंसुलेटेड पैड लगा दी मैं लिख देती हूँ हमने रिजर्वर हटा के लगा दिया है इंसुलेटेड पैड कि हम ना हीट दे रहे हैं ना हीट मतलब टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं कर रहे तो हमने यहाँ पे लगा दी इंसुलेटेड पैड तो अब मुझे कार नॉट साइकिल बनाना है इंजन मतलब कि एक साइकिल बनाना है तो मैं यहां से ही वापस ले जा सकती हूँ जितना मैंने इसको एक्सपैंड करा है उतना ही मैं इसको वापस ले जा सकती हूँ है ना लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैं इसको वापस ले जाने के लिए जितना मैं यहां तक लेकर आई हूँ मुझे उतना ही काम करना पड़ेगा इसको फर्स्ट स्टेप में लाने के लिए ताकि वो साइकिल बने तब मुझे वो काम करके दिखाए तो हम क्या ऐसे करते हैं क्या कि कोई हम चीज लेकर आ रहे हैं ठीक है घर में मान लो कोई भी मैं सामान लेकर आई हूँ मुझे मैं उससे काम करना चाहती हूँ और मेरे को उतना ही उसके ऊपर काम करना पड़े जितना मुझे उससे चाहिए तो मैं क्या वो ऐसी कोई चीज़ ख़रीदूँगी कि मुझे जितना उससे काम चाहिए उतना ही मेरे को उसके ऊपर करना पड़े गाड़ी मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जा ले जानी है तो पहले मुझे इतना उस पर धक्का लगाना पड़ेगा तब मैं उसके अंदर बैठूंगी तब वो इतना ही आगे मूव करेगी क्या कोई ऐसी गाड़ी ख़रीदता है नहीं खरीदता तो यानी कि मुझे यहाँ से वापस जाने के लिए उतना ही काम करना पड़ेगा तो ऐसे इंजन का क्या करना है कोई फायदा नहीं है तो इसलिए फिर उन्होंने क्या सोचा कि हमें छोटा मोटा एक आधा और कोई स्टेप करके देखते हैं फिर आया हमारे पास थर्ड स्टेप ठीक है थर्ड स्टेप से पहले यहाँ पर भी इसको भी हम पावर स्टेप सेकंड स्टेप को भी हम पावर स्टेप बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है क्यों यहाँ पर भी एक्सपेंशन हो रही है पिस्टन ऊपर जा रहा है ठीक है तो दिस इज ऑल्सो फिर आया आपके पास स्टेप थर्ड ठीक है उसमें हमने करी है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इसको वापस भी तो लेके आना। फर्स्ट से सेकंड पे गए हैं सेकंड से, से थर्ड स्टेट पे गए अब थर्ड स्टेट से मुझे वापस वन पे आने के लिए इसको कंप्रेस करना पड़ेगा तो हमने वो कंप्रेशन करी है आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन थर्ड इज आइसोथर्मल कंप्रेशन ठीक है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में फिर से अगेन टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट है ठीक है टेम्परेचर आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट है तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसी बीकर में कॉम्प्रेशन करेंगे ठीक है यानी कि हम थर्ड स्टेट तक तो पहुंच गए थे है ना जहां पर जो प्रेशर था P3 था वॉल्यूम V3 था एंड टेम्परेचर T2 था ठीक है अब हमने क्या किया अब ने, हमने इसको कंप्रेस करा है अब हमने इसको प्रेस करा है ऊपर से कंप्रेस करा तो जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये जो गैसेज हैं वो कहाँ आ जाएंगी फोर्थ स्टेज पर आ जाएंगी ठीक है तो जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इसके अंदर हीट क्या होगी बढ़ जाएगी एक्स्ट्रा हीट आ जाएगी उस एक्स्ट्रा हीट के लिए हमने यहाँ पर फिर से एक रिजर्वर लगा दिया है जो क्या कर सकता था हीट दे भी सकता है हीट ले भी सकता है तो जब हीट दे रहा होता है तो हम उस रिजर्वर को रिजर्वर बोल देते हैं लेकिन यही जब एक्स्ट्रा हीट वापस ले रहा होता तो उसे हम सिंक कह देते हैं सिंक कोई बात नहीं आपके पास एक्स्ट्रा हीट थी आपने हीट को डंप करना था वेस्ट प्रोडक्ट था तो भाई दे दो कोई बात नहीं अब आपका काम चलना चाहिए फिर से ये वॉल्स क्या होती हैं आपकी इंसुलेटिंग वॉल्स होते हैं कि एनवायरमेंट में ना आए जाए लेकिन सिंक के साथ इस सिस्टम की जो वॉल होगी वो कंडक्टिंग होगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा हीट है एक्स्ट्रा हीट जो भी कंप्रेशन से आई है वो इसके अंदर क्या हो हो जाए जाए डंप ठीक है तो अब क्या होगा आइसोथर्मल सेम रखना है तो इस स्टेट पे क्या होगा प्रेशर फिर से चेंज होगा है ना प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर चेंज होगा वॉल्यूम कम हुआ है तो वॉल्यूम फिर से चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर को हम क्या रख रहे हैं कांस्टेंट रख रहे हैं एक्स्ट्रा जो भी हीट निकल रही है वो तो हम डंप कर रहे हैं ना सिंक के अंदर तो टेम्परेचर को हम रख रहे हैं टी टू ही रख रहे हैं टेम्परेचर को ठीक है इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ थर्ड टू फोर्थ स्टेप में तो अब क्या हो रहा है अब मेरा प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है तो यानी कि ये ऐसे जाएगा स्टेप है ना ये ऐसे जाएगा पहले ये ऐसे आया ये ऐसे आया अब ये ऐसे जाएगा फोर्थ स्टेप ठीक है लेकिन हमने शुरुआत किससे करी थी टेम्परेचर T1 से स्टार्ट स्टार्ट करता हम कहाँ पहुँच गए टेम्परेचर T2 पे पर पहुँच गए तो मेरे को फिर से यहाँ पर जाने के लिए ठीक है इतना स्टेप करने के लिए यहां तक जाने के लिए मुझे इस टेम्परेचर T2 को भी किस पे लेकर आना है फिर से T1 पे लेकर आना है मुझे तभी एक साइकिल बनेगा यहाँ पर है ना तो हम क्या करेंगे उसके लिए आया हमारे पास स्टेप फोर्थ तो स्टेप फोर्थ में हमने की है एडियाबैटिक कंप्रेशन ठीक है एडियाबैटिक कंप्रेशन क्यों क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है T2 वो कम आ रहा था टेम्परेचर T1 से तो हमें क्या करना है टेम्परेचर को बढ़ाना है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें फिर से क्या करनी पड़ेगी कंप्रेशन करना पड़ेगा और कंप्रेस करना पड़ेगा हमें उसे ठीक है तो हम फोर्थ स्टेप पे तो हम पहुंच ही गए थे ठीक है तो यहाँ हम फोर्थ पे आ गए थे जहाँ पे प्रेशर था P4 फोर वॉल्यूम था V4 और टेम्परेचर था T2 अब हमने इसको और कंप्रेस करा है ठीक है और क्या है ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है यानी कि इस बार हम एक्स्ट्रा हीट को डंप नहीं करेंगे जो क्यों क्योंकि हम हीट ही तो और लेकर आ रहे हैं ताकि हम टेम्परेचर T2 से T1 पे पहुंच सकें ठीक है तो हम फिर से फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे जहां फिर से हमारे पास प्रेशर पी वन हो जाएगा वॉल्यूम बी वन हो जाएगा और टेम्परेचर टी वन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ चेंज ऑफ हीट इज जीरो फिर से हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे ठीक है तो अब यहाँ पर फिर से अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ ग्राफ के ऊपर तो ये देखो ये आ जाएगा से लेकर फिर से वन पे जाने के लिए क्या हुआ है क्या हुआ है फोर्स से वन पे जाने के लिए फिर से प्रेशर को मेरे को क्या करना पड़ा बढ़ाना पड़ा है ना वॉल्यूम को कम करना पड़ा ठीक है एंड टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ा ठीक है तो ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर करी हैं तो इस कर्व को एक बार फिर से हम देखते हैं हमने कैसे बनाया इसको तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है वॉल्यूम इधर वॉल्यूम है और इधर है प्रेशर ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या किया कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्या हुआ है एक्सपेंशन एक्सपेंशन में प्रेशर कम हुआ है और वॉल्यूम बढ़ा है तो वो कुछ इस तरीके का कारवाया प्रेशर कम एंड वॉल्यूम बढ़ा है ठीक है पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी ठीक है फिर हमने क्या किया है फिर सेकेंड के अंदर फिर से क्या हुआ है एक्सपेंशन हुआ है बट कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमारा जो हुआ है सॉरी यहाँ पर टेपचर हमारा जो हुआ है वो चेंज हुआ है जैसे T1 से T2 ठीक है एडिया एक्सपेंशन है तो हीट जो है बाहर से तो नहीं इन आउट हो रही दैट्स वाई अंदर का टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा एक्सपेंशन हो रही है यहाँ पर तो टेम्परेचर इसका क्या होगा चेंज होगा प्रेशर चेंज होगा वॉल्यूम चेंज होगा तो यहाँ पर ये फिर से प्रेशर एक्सपेंशन uh, हो रही है तो प्रेशर इंक्रीज होगा सॉरी डिक्रीज होगा एंड वॉल्यूम इंक्रीज होगा फिर से ये वाला कर्व आएगा ठीक है तो ये होगी फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज उसके बाद हमने थर्ड के बाद हमने करी है आइसोथर्मल कंप्रेशन कंप्रेशन मतलब अब हम उसको दबाएंगे ठीक है दबाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम वॉल्यूम कम एंड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वो कुछ इस तरीके का आएगा ठीक है प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है तो ये हो जाएगी फोर्थ स्टेज ठीक है उसके बाद फिर आती है एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन अगेन कॉम्प्रेशन होगी ठीक है तो इस स्टेज पर ये ऐसे आया ये ऐसे आया ये ऐसे आया अगेन इस स्टेज पर जाकर क्या होगा प्रेशर हमारा फिर से बढ़ेगा ठीक है उसी इनिशियल स्टेज पे पहुंच जाएगा एंड वॉल्यूम हमारा फिर से कम होगा तो जब कम होगा तो वॉल्यूम पीछे जाएगा एंड प्रेशर बढ़ेगा तो ये कुछ इस तरीके का करवाएगा ठीक है तो ये चीज बनेगी इसके अंदर यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा ऐसे कर्व में प्रॉब्लम आ गई थी कुछ इस तरीके की कर्व आना था ठीक है तो आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट इन सब चीजों में इन सब चीजों में काम कितना मिल रहा है हमको इससे हमें कितना काम मिल रहा है डन कितना हो रहा है तो उसके लिए देखो जब कभी भी हम आ, 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 साइंस में करते हैं एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं हम एरिया अंडर द ग्राफ है ना नाउ द क्वेश्चन इज हमने डन बाय द इंजन जो हुआ है वो हमने इस शेडेड एरिया को ही क्यों लिया है ठीक है क्यों क्योंकि डन हमें पता होता है पी डेल्टा भी होता है पूरे चैप्टर में हम यही करते आ रहे हैं पी डेल्टा भी यानी कि अगर हम यहां पर ग्राफ देखें तो पी एंड वी लेंथ एंड ब्रेथ यहीं पर ही आ रही है ठीक है तो इसीलिए हमने डन क्या लिया एरिया अंडर द ग्राफ लिया है तो एरिया अंडर द ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं वो हमारे पास आ जाता है कि कितना हमने काम किया है तो ये आ रहा है यहाँ पे ठीक है ये यहां हो रहा है ये यहां हो रहा है तो ये फोर्थ को भी मैं यहाँ पे मान लेती हूँ ठीक है तो अब अगर मैं ये कहती हूँ थ्री टू तो फोर एंड फोर टू तो वन यहाँ पे हमने डन ऑन द सिस्टम किया है कंप्रेशन करिए हमने है ना प्रेस करा है हमने तो थ्री टू फोर एंड फोर टू वन थ्री टू फोर एंड फोर टू वन इसके अंडर ये वाला जो एरिया है ठीक है ये जो रेड पोर्शन का ये जो मेरा एरिया है मैं इसको मार्क कर देती हूँ ठीक है ये वाला जो एरिया है ये हमने किया है डन ऑन द सिस्टम तो इसमें क्या हुआ है डन ऑन द सिस्टम जी इतना हमें काम इसके ऊपर करना पड़ा है ठीक है और बाय द सिस्टम के लिए क्या है एरिया अंडर वन टू टू एंड टू टू थ्री ये पूरा एरिया हो गया सारा का सारा समझ रहे हो इस पूरे एरिया को मैं बोल रही हूँ इस पूरे एरिया को इस पूरे एरिया को ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा वन टू टू क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है एक्सपेंशन हो रही है ना तो वो अपने आप हो रही है वन टू टू एंड टू टू थ्री यहाँ क्या हो रही है वर्क डन बाय सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम तो अगर मुझे नेटवर्क चाहिए पूरा का पूरा नेटवर्क डन कि कितना हमें काम मिल रहा है इससे तो वो क्या होगा नेटवर्क डन नेट वर्क डन ठीक है तो नेटवर्क डन हम कैसे निकालेंगे दोनों को माइनस करना पड़ेगा हमें कि वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस जितना हमने उसके ऊपर काम किया है ठीक है तो हम किसी भी चीज़ का फायदा हम तभी देख पाएंगे ना कि हमने कितने में खरीदा ठीक है कितने में हमने उसको बेचा तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है ना तो वर्कडन बाय द सिस्टम और हमें कितना करना पड़ा और उसको माइनस करके हम क्या निकालेंगे प्रॉफिट यानी कि नेट वर्कडन हमें इंजन से मिल कितना रहा है ठीक है तो जब हम उसको माइनस करते हैं तो ये क्या होगा ये पूरा एरिया हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम ये रेड पोर्शन हो गया वर्क डन बाय अस तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा आपके पास सो दिस इज वर्क डन बाय द इंजन नेट वर्क डन तो ये पोर्शन जो होगा ये पोर्शन हमें मिलेगा वर्क डन नेट वर्क डन ठीक है दिस इज द शेडेड एरिया क्लियर है ये बात ये वर्क डन कितना हुआ है ठीक है वो तो हम अभी निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे पूरी डेरिवेशन करेंगे कितना वर्क डन कर रहा है ये इंजन बट इससे पहले जैसे कि हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था थर्मोडाइनमिक्स का कि कुछ ना कुछ जो भी हम काम कर रहे होते हैं हीट जो होती है वो कहीं ना कहीं वेस्ट होती है वो सब हमने पढ़ा था ठीक है तो यहाँ पर कहाँ हमारी हीट वेस्ट हुई है यहाँ हमारी थर्ड टू फोर्थ स्टेप में हीट हमारी जो एक्स्ट्रा थी वो वेस्ट हुई है यहाँ पर है ना कि जितना एक्सपैंड हुआ एक्सपैंड हुआ एक्सपैंड हुआ तो सारा का सारा इसको वापस लाने के लिए डन होना चाहिए बट हमारे पास यहाँ पर इसको वेस्ट करनी पड़ी है हीट तो यानी कि कोई भी इंजन जो होता है उसकी पूरी की पूरी हीट जो होती है वो डन में कन्वर्ट नहीं होती कहीं ना कहीं जाकर वो वेस्ट डेफिनेटली होती है ठीक है क्लियर है ये बात और ये हम घूम फिर के फिर से हम फर्स्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं दैट्स वाई इसको हम कार्नॉट साइकिल भी कहते हैं और फिर से फर्स्ट स्टेट पे पहुंच गए हैं दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल साइकिल ठीक है रिवर्सिबल बोलते हैं अब अगेन नेचर के अंदर कोई भी चीज़ एग्जैक्ट रिवर्सिबल नहीं होती है फिर से मैं बोलूंगी क्या है ये एक आइडल साइकिल है ठीक है इससे ज़्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती है और इसकी एफिशिएंसी भी हमेशा 100 परसेंट नहीं होती है कितनी एफिशिएंसी होती है कितना काम किया है ये शेडेड एरिया में कितना काम हुआ है वो अब अब हम निकालते हैं तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन करना तो डेरिवेशन में सबसे पहले हमारे पास कौन सा प्रोसेस है सबसे पहले है हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन ठीक है तो जब कभी भी हमने जब मैंने आपको थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस कराए थे तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को सारे प्रोसेस के डन निकलवाए थे है ना तो उसके अंदर हमने फाइंड किया था सबसे पहले फर्स्ट टू सेकंड स्टेज में फर्स्ट से सेकंड स्टेप में हम जब जा रहे हैं कितना वर्क डन कर रही है ये गैस वर्क डन कितना हो रहा है वन टू टू स्टेज के लिए कितना वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम क्या निकालते हैं म्यू आर टी और टी क्या है टी वन है ठीक है म्यू आर टी वन लॉग वी टू अपॉन में वी वन ये वॉल्यूम कितना एक्सपैंड हुआ है डिवाइड में कितना वॉल्यूम इनिशियली था तो ये होता है आपका वर्क डन किसके लिए होता है ये आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको कैलकुलेट करके निकलवाया है आई होप आपने अभी तक वो वीडियोस देख ली होंगी नहीं देखें तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है आप जाके देख सकते हो कि कहाँ पर हमने डन आइसोथर्मल के लिए कैसे निकाला है एडियाबैटिक के लिए हमने क्या निकाला था डन। आप जाकर एक बार वो फॉर्मूलाज जरूर देख सकते हैं ठीक है तो ये गई आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन फिर सेकेंड स्टेप आपके पास आता है स्टेप टू आता है टू से थ्री के लिए हमने क्या किया है एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया है एडियाबैटिक तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए हमारे पास कितना वर्क डन होता है उसके लिए फॉर्मूला हमने निकाला था टू टू थ्री स्टेप के लिए फॉर्मूला क्या निकाला था एडियाबाइटिक के लिए म्यू आर टी वन माइनस टी टू जो भी चेंज टेम्परेचर में चेंज आता है डिवाइड में गामा माइनस वन वेर गामा क्या होता था आपका मॉलर रेशो होता था ना सी पी बाई सी वी ठीक है ये क्या होता था सी पी बाई सी वी ये मैंने आपको पहले भी बताया था और इसके बारे में डिटेल डिस्कस हम हायर स्टडीज़ में करेंगे है ना ये बताया था मैंने आपको तो ये आ गया आपके पास आइडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए कि यहाँ से लेकर सेकेंड स्टेप से लेकर थर्ड स्टेप में क्या आया है टेम्परेचर चेंज आया है है ना टू टू थ्री स्टेट में क्या आया है टेम्परेचर चेंज आया है टी वन से टी टू आया है तो वो डिफरेंस न्यू आर डिवाइड में गामा माइनस वन ठीक है फिर आपके पास थर्ड के लिए आता है थर्ड टू फोर्थ के लिए क्या किया था आइसोथर्मल कंप्रेशन की थी आइसोथर्मल कंप्रेशन तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए अगेन आपके पास आइसोथर्मल वाला वर्कडन आएगा वर्क डन आएगा तो वर्क डन थ्री टू फोर के लिए क्या हुआ है म्यू आर अब टेम्परेचर कितना है टी टू टेम्परेचर चल रहा है टी टू लॉग वॉल्यूम कौन सा चल रहा है अब आपका फाइनल वॉल्यूम इज यहां पर कंप्रेशन की थी ना हाँ तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था आपके पास V3 थ्री एंड फाइनल वॉल्यूम कितना था V4 तो ये हो जाएगा आपका यहां पर V3 V4 ठीक है ये आ गया आपकी आइसोथर्मल कंप्रेशन फिर आता है आपके पास फोर से लेकर फर्स्ट स्टेप फिर से एडियाबैटिक कंप्रेशन ठीक है एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए हम फिर से फॉर्मूला एडियाबैटिक के पास जाएंगे ठीक है तो उसके लिए जो वर्क डन आया वर्क डन फोर टू वन के लिए क्या आएगा आपके पास म्यू आर डिवाइड में गामा माइनस वन और टेचर में कौन कौन सा चेंज आ रहा है फिर से हम किस पे आ रहे हैं चेंज टी वन टी टू है ना टेम्परेचर टी तो वन माइनस टी टू फिर से वही टेम्परेचर चेंज आ रहा है तो दिस इज म्यू आर टी वन माइनस टी टू अपॉन में गामा माइनस वन ठीक है ये चारों स्टेप्स के लिए हमने वर्क डन निकाल लिया तो अब हम निकालते हैं टोटल वर्क डन। ठीक है टोटल वर्क डन सबको हमें क्या करना है प्लस करना है वन टू टू प्लस डब्ल्यू टू टू थ्री प्लस डब्ल्यू थ्री टू फोर प्लस डब्ल्यू फोर टू वन ठीक है बट यहाँ हम अब लेंगे साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि जब एक्सपेंशन हो रही थी तो वर्क डन हो रहा था बाय द सिस्टम एक्सपैंड हो रही थी ना गैस तो बाय द सिस्टम के लिए हम वर्क डन लेते हैं पॉजिटिव यहां पर भी एक्सपेंशन हो रही थी गैस फैल रही थी तो ये भी था वर्क डन बाय द सिस्टम और बाय द सिस्टम के लिए हम फिर से लेते हैं पॉजिटिव ठीक है फिर कंप्रेशन कंप्रेशन यानी कि हमें उसको कंप्रेस करना पड़ा प्रेस करना पड़ा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम तो ऑन द सिस्टम के लिए हम क्या लेंगे नेगेटिव यहां पर भी कंप्रेशन है वर्क डन ऑन द सिस्टम है उसके लिए भी हम क्या लेंगे नेगेटिव अब हम इन सभी को क्या करेंगे प्लस करेंगे बट विद साइन कन्वेंशन इसके सामने हम लेंगे नेगेटिव इसके सामने हम लेंगे नेगेटिव बाकी दोनों के सामने हम लेंगे पॉजिटिव ठीक है तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं और इन सबको प्लस करते हैं तो फर्स्ट था म्यू आर टी वन लॉग वी टू बाई वी वन प्लस फिर सेकेंड था म्यू आर टी वन माइनस टी टू गामा माइनस वन फिर इसके लिए थर्ड के लिए आएगा नेगेटिव म्यू आर टी टू लॉग वी थ्री बाय वी फोर फिर माइनस म्यू आर टी वन माइनस टी टू अपॉन में गामा माइनस वन तो आप देखो सेकेंड और थर्ड टर्म सेम है और प्लस नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया वी आर लेफ्ट विद द टोटल डन इक्वल्स टू म्यू आर टी वन लॉग वी टू बाय वी वन माइनस म्यू आर टी टू लॉग वी थ्री बाय V4. ठीक है ये आ गया अब जैसे आपके पास ये आया है दिस इज द वर्क डन दिस इज द वर्क डन जो हम बोल रहे हैं कि शेडेड एरिया ने कितना काम किया है शेडेड एरिया में कितना काम है दिस W नेट वर्क डन शेडेड एरिया ये हमने निकाल लिया नेट वर्क डन बाय द इंजन ठीक है नेट वर्क डन बाय द इंजन अब हमें निकालनी है इसकी एफिशिएंसी ठीक है तो इसको पहले तो मैं स्टार लगा देती हूं ठीक है अब हमें कैलकुलेट करनी है एफिशिएंसी सो एफिशिएंसी क्या होती है एफिशिएंसी किसी भी चीज की हम कैसे निकालते हैं वर्क डन डिवाइड में हीट गिवन ये तो इस केस के लिए हो जाएगी ठीक है इसमें है क्या इसका क्या मतलब होता है एफिशिएंसी मतलब हाउ गुड और हाउ बैड किसी ने कितना परफॉर्म किया है ठीक है यानी कि उसने कितना काम किया और हमने दिया कितना था या फिर आप ऐसे कह सकते हो तो आप लोगों की परसेंटेज निकलती है मार्क्स डिवाइड में टोटल मार्क्स यही होता है इन टू हंड्रेड करके ऑब्जर्व्ड तो वर्क कि कितना किया है उसने काम और हमने कितनी हीट दी थी तो ये हो गई उसकी क्या एफिशिएंसी हो गई ठीक है तो वर्क डन ये तो हो गया वर्क डन नेट वर्क डन जो हमने अभी अभी देखा डिवाइड में हीट गिवन हमने कौन सी हीट दी है ठीक है उसको हमने कौन सी हीट दी है तो जब बिल्कुल फर्स्ट प्रोसेस हो रहा था तभी हमने उसको हीट दी थी जब बिल्कुल फर्स्ट प्रोसेस हो रहा था यहां पर तभी हमने उसको हीट दी थी ना रिजर्वर से रिज़र्वायर से उसको हमने हीट प्रोवाइड करी थी वही हीट थी जो हमने उसको दी थी उसके बाद बाकी सारा काम खुद हुआ है सो तो ये था हीट गिवन Q1 तो ये था W1 ठीक है W1 ही क्या होता है Q1 होता है और इस चीज के अंदर हमें पता है मैं डब्ल्यू वन को क्यू वन क्यों बोल रही हूँ बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ठीक है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्योंकि आइसोथर्मल था एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ती है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाती है ज़ीरो तो इस केस के अंदर जितना भी हम हीट देते हैं वो वर्क डन में चेंज हो जाती है ठीक है तो जो हमने हीट दी वो वर्क डन में आ गई तो वर्क डन जो फर्स्ट केस के लिए था तो वो हो जाएगा आपका क्यू वन फर्स्ट केस के लिए वर्क डन था कितना ये वाला वर्क डन था ठीक है और हमने जो निकाला है नेट वर्क डन बाय द सिस्टम ठीक है नेट वर्क डन वो क्या हो गया है वो ये है ठीक है तो ये हो जाएगा न्यूमिरेटर आपका ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं डब्ल्यू अपॉन में Q1 वन इज इक्वल्स टू जो हमने अभी अभी निकाला है न्यू आर टी वन एल एन टू बाई वन माइनस म्यू आर टी टू लॉग वी थ्री बाय वी फोर डिवाइड में म्यू आर टी वन लॉग वी वी टू बाय वी वन ठीक है यही हो गया इसका फर्स्ट वन ओके अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं जब मैं इसको सॉल्व करूंगी मैं इनको सेपरेट सेपरेट कर दूंगी जब मैं सेपरेट सेपरेट करूंगी मुझे क्या मिलेगा ये तो बिल्कुल सेम है तो कैंसिल होके वन आ जाएगा वन माइनस μr t2 l log v3 लॉग वी थ्री बाई वी फोर म्यू आर टी से μr आर कैंसिल हो गया तो w upon में q1 equals to टू minus t2 upon में t1. ये अलग आ जाएगा log v3 by v4 बाई वी में log v2 by v1. ये आ इसकी efficiency ठीक है इसको अब हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हमने अभी तक इसकी हेल्प ली है ठीक है आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करिए आइसोथर्म्स की बात करिए एडियाबैटिक की नहीं बात करिए है ना तो एडियाबैटिक में क्या होता है एडियाबैटिक के लिए हमारे पास क्या चीज़ आती है फॉर एडियाबैटिक हमारे पास क्या इक्वेशन होती है टी वी गामा टी वी गा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ठीक है ये वैल्यू होती है हमारे पास एडियाबैटिक के लिए राइट right? और हमें पता है गामा क्या होता है गामा इज सीपी बाय सीवी है ना मॉलर स्पेसिफिक हीट्स का रेशो होता है राइट right? ओके okay. तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ सबसे पहले इसकी बात करती हूँ इस स्टेप की यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है अगर इसके लिए मुझे लिखना हो तो टी कहाँ से जा रहा है टी वन से टी की तरफ जा रहा है वी कहाँ से जा रहा है वी टू से वी की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ है ना टी से टी टेम्परेचर और वॉल्यूम V2 से V3 लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास T1 V2 वी टू गामा माइनस वन टी से कहाँ पर जा रहा है वो T2 की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम V2 से V3 की तरफ जा रहा है गामा माइनस वन ठीक है इसको थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं ये हो जाएगा V2 टू बाय वी पावर हो जाएगी गामा माइनस वन या आ जाएगा टी टू बाय टी वन अगर v2 टू बाई वी की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा t2 टू बाई टी की पावर वन बाई गामा माइनस वन ठीक है इसकी पावर इन्वर्स में आ जाएगी यहाँ पर तो एक ये वैल्यू आपके पास आ गई है ठीक है और हमने एडियाबैटिक कहाँ पर देखा है और एडियाबैटिक हमने देखा फोर्थ के अंदर है ना फोर्थ में क्या था t1 से t2 जा रहा था लेकिन वॉल्यूम v1 से v, v4 जा रहा है t1 से t2 टू वॉल्यूम वी से वी तो इसके लिए भी लिख सकते हैं हम तो t1 से T2, टू बट वॉल्यूम वी से V4 की तरफ जा रहा है यही जा रहा है तो इसको भी हम ऐसे ही लेकर आते हैं ये हो जाएगा V1 वन बाय की पावर गामा माइनस वन ये हो जाएगा T2 टू बाय फिर V1 वन बाय की वैल्यू आ जाएगी T2 टू बाय की पावर इन्वर्स में आ जाएगी वन बाई गामा माइनस वन तो ये आ गया आपके पास एक और इक्वेशन ठीक है इसको मान लो आप इक्वेशन ए इसको मान लो इक्वेशन बी अब इन दो इक्वेशन से आपने क्या ऑब्जर्व करा कि दोनों की राइट हैंड साइड क्या है सेम है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या कर सकते हैं सेम कर सकते हैं है ना तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी ठीक है ए एंड बी से लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड दोनों की सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल तो वी विल राइट वी टू बाई वी थ्री इक्वल्स टू वी वन बाई वी फोर ठीक है हमें चाहिए क्या हमें तो इनकी वैल्यूज चाहिए है ना v3 थ्री बाई वी और ऐसे ही v2 टू बाई वी ये वैल्यूज चाहिए अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूं तो क्या होता है आ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूं तो ये हो जाएगा v2 टू इंटू वी फोर इक्वल्स टू वी वन ठीक है अब मुझे v3 के नीचे चाहिए v4 तो v4 मैं यहाँ पे ले आती हूँ v2 के नीचे चाहिए मुझे v1 वो वन में यहाँ ले आती हूँ v2 टू बाई वी नीचे आ जाएगा v3 इधर आ जाएगा एंड v4 नीचे आ जाएगा तो आपने यहाँ पे देखो मुझे अगर इसकी वैल्यूज चाहिए थी तो ये दोनों ही आपस में क्या आ गए हैं इक्वल है ना तो इस इक्वेशन को आप लगा लो फर्स्ट इक्वेशन इस इक्वेशन को लगा लो आप सेकेंड नाउ यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अब आप यहां पे लिख सकते हो एफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में क्यू वन वन माइनस टी टू अपॉन में टी वन लॉग ऊपर क्या था वी थ्री बाय वी फोर नीचे क्या था वी टू बाय वी वन एंड वी टू बाय वी वन की भी वैल्यू क्या आ गई वी थ्री बाय वी फोर वी थ्री बाय वी फोर तो ये क्या हो गया कैंसिल होकर क्या आ गया वन यू आर लेफ्ट विद ओनली एफिशियंसी डब्ल्यू अपॉन में क्यू वन इक्वल्स टू वन माइनस टी टू बाई यानी कि के ऊपर जो dependence थी वो हमारी वैल्यू आ गई की। so this is the efficiency जो हमने बिल्कुल में पढ़ा था कि depend करती है टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर ठीक है? दिस इज फॉर कारनॉट इंजन ठीक है अगेन ये क्या है एक आइडल है अब हम यहां पे फिर से बोलेंगे कि कोई भी इंजन की कितनी कोई भी एफिशिएंसी होगी उसकी हमेशा एफिशिएंसी कार्नॉट के इंजन से हमेशा कम होगी तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन किसी के भी इंजन की एफिशिएंसी जो होगी वो हमेशा लेस होगी कार्नॉट इंजन की एफिशिएंसी से हमेशा उस इंजन की एफिशिएंसी कार्नॉट से लेस होगी क्यों क्योंकि ये एक आइडियल इंजन है इसके अंदर हमने बहुत सारे फैक्टर निगलेक्ट किए हुए हैं मशीनरी का फैक्टर निगलैक्ट कर रखा है हमने हीट जो हम इसको चाहिए वो वाला हमने फैक्टर निगलैक्ट कर रखा है इसका फ्रिक्शन का हमने फैक्टर निगलैक्ट किया हुआ है हमने रिजर्वर्स uh, का हमने फैक्टर निगलैक्ट कर रखा है हमने एनवायरमेंट कौन से एन्वायरमेंट में हम कर रहे हैं कौन से टेम्परेचर में हम कर रहे हैं कौन सी सराउंडिंग्स में हम कर रहे हैं वो सब फैक्टर्स हमने निगलैक्ट कर रखे हैं लेकिन अगर वही सब फैक्टर्स अगर हम लेकर आते हैं तो किसी भी इंजन की एफिशेंसी कारनॉट इंजन से हमेशा कम होगी इवन इक्वल भी नहीं होगी क्यों क्योंकि वो एक आइडल इंजन है वो हमने सिर्फ अपनी थ्योरी में बनाया हुआ है जैसे कि आइडल गैस इक्वेशन होती है बट कोई भी इक्वेशन उससे मैच नहीं करती है कुछ ना कुछ आरआर आता है और उससे लेस में मैच करती है तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है एंड वन मोर थिंग ये जो टेम्परेचर होता है ये टेम्परेचर हम लेते हैं एकदम एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर हम लेते हैं ठीक है तब हम जाके इसकी एफिशेंसी निकालते हैं राइट तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो कभी भी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती है ऑल्सो कार्नोट साइकिल खुद की भी जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं हो सकती जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं वन माइनस समथिंग है है ना तो ये कभी भी तो कार्नोट की भी जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा क्या होती है 100% से कम होती है यूनिटी से कम होती है जो मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में भी बताया था राइट right? अच्छा अब यहां पर एक और चीज है जैसे कि मैंने यहां इसकी एफिशिएंसी निकाली है W बाई क्यू वन करके है ना W क्या है वट इज W यानी कि वर्क डन वर्क डन जो हमें इस कारनॉट इंजन ने करके दिखाया है ठीक है वो कैसे करके दिखाया है इसको अगर मैं एक ब्रीफ में बनाऊं पूरा का पूरा ब्रीफ में बनाऊं तो मैं कैसे बना सकती हूं तो हमने क्या किया हमने सबसे पहले कार्नॉट इंजन के लिए हमने सबसे पहले इसको हीट दी थी है ना सबसे पहले हीट दी थी हमने तो मान लो ये रिजर्वर था तो रिजर्वर था टेम्परेचर टी वन पे था इसने हीट दी थी ठीक है इसने हीट दी थी और यहां पे हमारा कार्नॉट इंजन था ठीक है यहां पे हमारा कार्नॉट इंजन था तो इस कार्नॉट इंजन ने क्या किया था हमें इसने हीट लेकर हमें कुछ वर्क करके दिखाया था राइट right? प्लस कुछ हीट इसने क्या कर दी थी वेस्ट कर दी थी सिंक में डाल दी थी यही था ठीक है लेट इट टी वन लेट इट बी टी टू इसने हीट ली थी क्यू वन और हीट दी थी क्यू टू ठीक है ऑल्सो वी नो दैट जो टी वन है वो ग्रेटर देन है टी टू से ठीक है उसने ज़्यादा हीट ली थी फिर उसने क्या किया था कुछ हीट वेस्ट करी थी और कुछ वर्कडन हमें करके दिखाया था हीट वेस्ट करना वही हमारा क्या था सेकेंड लॉ ठीक है कि कुछ ना कुछ हमेशा वर्कडन के साथ कुछ ना कुछ हीट लॉस होता है हमेशा हर चीज़ हमें हंड्रेड परसेंट जो हम देते हैं वही हमें नहीं मिलती है ठीक है ये हमारे पास थी अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ डन क्या है वट इज़ वर्क डन ये है कि भाई जितनी हमें हीट दी और जितनी हमने वेस्ट कर दी है ना वो हमारे पास क्या आ गया उसका वर्कडन की इतना वर्कडन हमें इसने इंजन ने करके दिखाया है राइट तो मैं वर्कडन की जगह पे क्या लिख सकती हूँ Q2 टू माइनस क्यू वन माइनस क्यू और डिवाइड में क्या है Q1 वन जितने हम उसको हीट दे ही रहे थे यही है ठीक है अगर मैं इसको सेपरेट सेपरेट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा वन माइनस क्यू टू बाय ये मिल गई एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी के हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ चुके हैं एक तरीके से एक तो ये हो गया आपका टेम्परेचर बेस्ड दूसरा हो गया आपका ये हीट बेस्ड अगर इन दोनों को इक्वेट करती हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से मुझे मिल रहा है Q2 टू बाय क्यू वन इक्वल्स टू टी टू बाई क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में सेम वन माइनस दिस वन माइनस दिस है तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाती है राइट right? यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे को दो स्टेटमेंट मिल गई क्या सबसे पहली स्टेटमेंट इसको देखें तो किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो कार्नोट इंजन से हमेशा कम होगी दूसरी स्टेटमेंट मुझे मिल रही है कि जो भी हम कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर मटेरियल या फिर सब्सटेंस के ऊपर कि जो भी हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं क्योंकि वो तो हीट पे डिपेंड कर रहा है या टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है है ना मेटीरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा इसी को ही हम नाम देते हैं कार्नोट थ्योरम का ठीक है कार्नोट थ्योरम क्या होती है कैसे होती है उसको अभी हम डिस्कस करते हैं बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर इसी साइकिल को ये जो मैंने अभी बनाया है इसी साइकिल को मैं रिवर्स कर दूं तो मुझे क्या मिलता है इसी साइकिल को अगर मैं रिवर्स करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा रिवर्स का मतलब क्या है मान लो यहाँ पे कोई इंजन लगा हुआ है कोई पंप लगा हुआ है ठीक है यहां पे क्या था टी टू बड़ा था टी वन बड़ा था टी टू छोटा था है ना नी कि यहां पर ये कोल्ड रिजर्व है ये हॉट रिजर्व है हम ये बोल सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं अगर मैं इसको बिल्कुल रिवर्स कर दूँ ठीक है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो कार्नोट इंजन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं उल्टा भी पॉसिबल होता है इसका ठीक है तो इसमें क्या हो सकता है कि ये सिंक टी से अगर ये हीट लेता है यानी कि लेस हीट लेता है ठीक है लेस हीट लेता है और अगर जैसे ये वर्क करके दिखा रहा है और हम इसके ऊपर वर्क करें ठीक है कुछ वर्क करें देन ये जो हमें हीट देगा ना वो क्या देगा वो ज्यादा हीट देगा और रिजर्वायर T1 पे देगा यानी कि कम हीट लेकर लेस हीट लेकर कुछ इसके ऊपर वर्क किया जाए तो ये हमें ज्यादा हीट देगा ज्यादा टेम्परेचर वाली हीट देगा अब इसको एक तरीके से ऐसे समझो एसी वाले रूम में आप बैठे हो जो रूम है दैट इज अंक ठीक है दैट इज अंक अब उसने रूम में से क्या लिया गर्मी ली ठीक है हीट ली उसके अंदर जो पंप लगा हुआ है उसने उसके ऊपर वर्क किया ठीक है वो वर्क हुआ और जैसे ही वो बाहर भेजता है तो ए के जो पीछे होता है वो कितना ज्यादा गर्म टेम्परेचर बाहर फेंक रहा होता है कितनी ज्यादा हीट बाहर फेंक रहा होता है तो बिल्कुल कार्नोट को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो ये हमारा एज एस ए या रेफ्रिजरेटर की तरह भी काम करता है तो हमारा मेन एम क्या होता है रेफ्रिजरेटर का या ए का मेन एम क्या है कि हमने इसमें से ज्यादा हीट निकालनी है है ना हीट निकालनी और हीट निकाल देंगे तो ऑब्वियसली वो चीज क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है ना ज्यादा हीट निकालनी है तो क्या करेंगे हम कम हीट लेंगे और कम हीट लेंगे ज्यादा हीट निकालने के लिए हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा ठीक है तो वर्क डन इसके ऊपर करना पड़ेगा और वो किस फॉर्म में होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है सॉरी मैकेनिकल फॉर्म में होता है ठीक है मैकेनिकल फॉर्म मतलब कि बीच में भी मशीनरी लगी है पंप है या फिर मोटर है या फिर कुछ भी चीज लगी हुई है ठीक है और फिर वो क्या करते हैं ये दोनों मिलकर ज्यादा से ज्यादा हीट को निकालते हैं अपने अंदर में से एब्जॉर्ब कम करते हैं निकालते ज्यादा है तो सेम चीज़ आपकी रेफ्रिजरेटर के लिए भी यूज होती है और सेम चीज आपकी एसी के लिए भी यूज होती है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वाटर वाली जो मोटर होती है ठीक है मोटर होती है वो पंप में क्या करती है कम कम प्रेशर से उसको हम हाई प्रेशर में लेकर जाते हैं है ना ज़्यादा में लेकर जाते हैं तो कैसे लेकर जाते हैं उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है वर्क करना पड़ता है धीरे धीरे पानी आ रहा है उसके ऊपर मोटर वर्क करती है फिर एकदम से दूसरी मंजिल पहुंचा दो तीसरी मंजिल पहुंचा दो राइट सेम यहाँ पर भी यही है कम टेम्परेचर लेकर ले उसके ऊपर हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा हम टेम्परेचर निकाल देते हैं तो जब कभी भी हम कार नॉट इंजन का या कार साइकिल का रिवर्स फॉलो करते हैं हमें रेफ्रिजरेटर या ए की वर्किंग समझ आती है ठीक है नाउ बैक टू अवर कार्नॉट की एफिशिएंसी वाली बात ठीक है अब ये जो कार्नॉट की एफिशिएंसी वाली बात है इस एफिशिएंसी को कि उसकी जो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी होती है वो कार्नॉट से कम होती है पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट ये जो एफिशिएंसी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मटेरियल के ऊपर या सब्सटेंस के ऊपर इन दोनों को मिला के बोला गया कि ये कारनॉट थ्योरम होती है तो लेट अस डिफाइन कार्नोट थ्योरम तो ये आ गई आपके पास कार्नोट थ्योरम तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी ऑल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन अ गिवन टेम्परेचर सोर्स एंड अ गिवन टेम्परेचर सिंक यानी कि दो डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में कोई भी इंजन काम कर रहा होगा उसकी कभी भी एफिशिएंसी रिवर्सिबल यानी कि कार्नोट साइकिल से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती है

ठीक है तो हम प्रूफ करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट का कि कैसे किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कार नॉट इंजन की एफिशिएंसी से ग्रेटर नहीं हो सकती है ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है तो उसके लिए हम एक मानेंगे सबसे पहले तो सोर्स टेम्परेचर मान लेते हैं यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पे सोर्स लगा लो फर्स्ट सोर्स लगा लो मान लो टेम्परेचर टी है ठीक है यहाँ पे ये यह कोई भी यहाँ से हीट ले रहा है Q1 हीट ले रहा है यहाँ पे कोई भी एक इंजन लगा हुआ है रेंडम इंजन E लगा हुआ है ठीक है अब कोई भी क्या होगा हीट लेते हैं तो वो क्या करते हैं डन करके दिखाते हैं ठीक है डन करते हैं प्लस कुछ हीट क्या करते हैं डंप कर देते हैं किसके अंदर एक और सिंक के अंदर जो होती है वो मान लो पे ठीक है वो सिंक में अपनी हीट जो है वो डंप कर देते हैं कोई भी इंजन होता है वो ऐसे ही वर्क करता है ठीक है अब मान लो यहाँ पर हमने एक लगा रखा है कार्नोट इंजन यहाँ पे मैं के लिए C लिख रही हूं। कई जगह पर आर भी लिखा होगा क्योंकि मोस्टली यहाँ पे हम वर्क करने वाले जैसे कि अगर कार्नोट का हम रिवर्स कर देते हैं तो रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करता है जो मैंने अभी अभी आपको बताया तो इस वजह से पे कई कई जगह पे आर भी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे कार्नोट को उल्टा चला रहे हैं ठीक है रिवर्सिबल चला रहे हैं जिससे हम मान लेते हैं कि वो कुछ हीट यहाँ से लेता है Q2 टू डैश मान लो हीट लेता है ठीक है और हम ये मानेंगे जितना वर्क ये करके दिखा रहा है वही वर्क जो है वो इसके ऊपर हो रहा है ठीक है यही मैंने अभी आपको बताया कि हम कारनोड को उल्टा कैसे चलाते हैं कि वो कम हीट लेता है उसके ऊपर वर्क किया जाता है देन वो ज़्यादा हीट को निकाल देता है अब मान लो क्यू वन डैश हीट वो निकाल देता है बाहर तो हमने इस अरेंजमेंट को कुछ इस तरीके से मैनेज करा कि जितना ये इंजन वर्क करके दिखाएगा उतना ही वर्क इसको नीडेड है सो so दैट ये मैक्सिमम हीट को निकाल दे तो ये हमने एक सेटअप क्रिएट कर लिया कि हमने T1 वन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर से हमने सबसे पहले हीट दी है एक इंजन को ये इंजन कुछ वर्क करके दिखाता है और एक्स्ट्रा हीट को डंप कर देता है सिंक के अंदर फिर हमने यहाँ पर उल्टा कार नॉट लगा दिया है जिससे ये थोड़ी वाली हीट लेता है और जितना ये वर्क करके दिखाता है उतना ही वर्क इसको नीडेड होता है ताकि अपना साइकिल आगे चला ले और आगे ये क्या भेज सके एक्स्ट्रा हीट जो है वो निकाले क्लियर है ये बात ठीक है अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब इंजन ई e की बात हो रही है तो वो कितना डन करके दिखा रहा है कितना डन होगा जितनी उसने हीट ली है माइनस उसने जितनी वेस्ट करी है जो बच गया वही उसने वर्क डन करके दिखाया तो वर्क डन जो इसने करके दिखाया वो कितना करके दिखाया है Q1 वन हीट उसने ली Q2 उसने क्या कर दी बेस्ट कर दी इतना वर्क डन ये करके दिखाया है इसने ठीक है अब अगर सेकेंड की बात करें हम यहां इसकी बात करते हैं ठीक है ये तो हो गया फॉर ई e. ठीक है अब अगर इसके बात करते हैं तो इसने इतनी हीट दे रहा है है ना Q1 वन डैश हीट दे रहा है कैसे दे रहा है पहले तो क्यू टू डैश हीट ले रहा है उसके ऊपर इतना वर्क किया जा रहा है तो क्यू टू डैश हीट ले रहा है प्लस उसके ऊपर इतना वर्क किया जा रहा है तब वो जाकर क्यू वन डैश जो है हीट निकाल रहा है तो इसका अगर डन निकाला जाए तो क्या है इसका वर्कडन क्यू वन डैश माइनस क्यू टू डैश तो ये इतना वर्क डन ये ले रहा है फॉर सी ठीक है अब अगर मैं एफिशेंसी निकालती हूं ई e की इस इंजन की एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ ई कितना होगा एफिशिएंसी ऑफ ई क्या होता है जितनी हम जितना उसने वर्क डन करा है ठीक है वर्क डन डिवाइड में जितनी उसने हीट ली थी दैट इज क्यू वन राइट ऐसे ही अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ सी निकालती हूँ कि कितना उसको वर्क डन मिला है डिवाइड में कितना उसने दिया है दैट इज क्यू वन दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली हमने ठीक है हमें पता तो है कि इसकी एफिशिएंसी कार्नोट की हमेशा ज्यादा होती है बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी एफिशिएंसी मान लो इससे ज्यादा है तो लेट द एफिशिएंसी ऑफ इंजन ई इज ग्रेटर देन द इंजन सी इसकी इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा है हम मान लेते हैं अगर ज्यादा है तो क्या मतलब हुआ कि डब्ल्यू बाई क्यू वन इज ग्रेटर देन डब्ल्यू Q1 क्यू वन डैश ठीक है अब दोनों का वर्क तो सेम ही है ठीक है वर्क सेम है तो यानी कि पूरी क्वांटिटी डिपेंड करगी आपकी किसके ऊपर डिनोमिनेटर पे ठीक है अब वी नो दैट अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिखती हूँ वन बाई टू बड़ा होता है वन बाई फोर से न, point, है ना ज़ीरो पॉइंट इसको हम लिख सकते हैं ना जीरो पॉइंट फाइव इज ग्रेटर देन जीरो पॉइंट टू फाइव ये बड़ा होता है लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो डिनोमिनेटर में फोर बड़ा है ना टू से तो यानी कि यहाँ से अगर ये चीज़ बड़ी है तो दैट एम्प्लाइज क्यू वन डैश जो है वो बड़ा है क्यू वन से दैट मीन्स अगर मैं इनके डिनोमिनेटर की बात करती हूँ तो यहाँ से मुझे पता चला कि फोर इज ग्रेटर देन टू है ना तो ये मैंने एक सिर्फ नंबर आपको समझाने के लिए लिखवाया कि इस स्टेटमेंट से हम इस स्टेटमेंट तक कैसे पहुंचे हैं तो डब्ल्यू डब्ल्यू तो सेम ही हो गया ठीक है तो अगर ये वन बाई टू इज ग्रेटर देन वन बाई फोर है तो डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर इसका बड़ा होगा दैट मीन्स क्यू वन डैश इज ग्रेटर देन क्यू वन ठीक है तो यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि क्यू वन डैश माइनस क्यू वन इज ग्रेटर देन जीरो दैट इज पॉजिटिव आएगी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी यानी कि जितना वो ले रहे हैं वो कम है जितना वो दे रहे हैं हीट वो ज्यादा है है ना ये चीज हमें पता चल रही है वो चीज ज्यादा है तो दैट मीन्स अगर मैं पूरे सर साइकिल का लिखती हूँ पूरे साइकिल का मुझे क्या चीज मिल रही है तो मैं यहां पर अगर पूरे साइकिल का लिखू तो हम कह सकते हैं नेट हीट नेट हीट गेन्ड बाय सोर्स पर साइकिल पर साइकिल यानी कि ये जो सोर्स है इससे कम हीट ले रहे हैं और चार जा हीट ज्यादा रही है है ना क्यू वन डैश ज्यादा जा रहा है तो ये ही सोर्स है तो नेट हीट गेन्ड बाय सोर्स पर साइकिल यानी कि एक साइकिल में वो कितना है Q1- वन डैश माइनस क्यू है कि जितनी उसको मिल रही है वो ज्यादा है और Q1 जो है वो कम है ठीक है ये है और ये भी क्या है ग्रेटर देन जीरो है ये नेट हीट गेंड हो गया ठीक है अब सेम चीज अगर हम सिंक की बात करते हैं ठीक है ठीके? कि जैसे कि यहां पर इसको गेन हो रही है ये चीज ज्यादा है ये चीज कम है ठीक है सिंक की बात करें तो सिंक का तो हमें आइडिया ही नहीं है है ना कि सिंक गेन कर रहा है या लॉस्ट कर रहा है ये तो हमें आइडिया ही नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम जाएंगे इनके पास ठीक है इनके पास जाते हैं यहां से हम देखते हैं इनका क्या कनेक्शन बैठता है दोनों ही वर्क डन है आपके पास ठीक है दोनों वर्क डन है तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा q1 वन माइनस क्यू टू इज इक्वल टू क्यू वन डैश माइनस क्यू टू डैश ठीक है अब यहां से इधर ले आते हैं इधर ले आते हैं ये हो जाएगा क्यू टू डैश माइनस क्यू टू ये हो जाएगा क्यू वन डैश माइनस क्यू वन अब ये स्टेटमेंट देखो यहां से आप ये हमने क्या किया है हमने यहां पर ये यह देखा कि ये चीज हमारी बड़ी आ रही थी ये चीज ग्रेटर आ रही थी जीरो से ये इसकी इक्वल है दैट मीन्स क्यू टू डैश माइनस क्यू टू इज ऑल्सो पॉजिटिव तो क्यू टू डैश क्यू टू डैश ज ग्रेटर देन क्यू टू है ना दैट मीन्स यानी कि ये ज्यादा हीट दे रहा है और ले कम रहा है यानी कि सिंक क्या कर रहा है लॉस्ट कर रहा है तो यहां पे हम लिखेंगे नेट हीट लॉस्ट बाय सिंक पर साइकिल वो कितनी हो रही है क्यू टू डैश माइनस क्यू टू ये हो रही है यहाँ से आ गया आपके पास Q2 टू डैश माइनस क्यू अब Q2 क्या है आपके पास Q2 क्या है हीट जो उसने डम्प है कितनी हीट डंप की है जितनी उसने हीट ली थी माइनस उसने जितना वर्क डन कर दिया उतनी तो हीट डंप करी है है ना जितनी हीट ली थी थोड़ा सा वर्क डन कर दिया बाकी जो बची वो हो गई आपकी डंप वाली हीट तो ये हो जाएगा क्यू टू डैश माइनस क्यू टू की जगह पे आ जाएगा क्यू वन माइनस डब्ल्यू ठीक है इसके हम ओपन कर देंगे हो जाएगा क्यू टू डैश माइनस क्यू वन माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू ठीक है अब डब्ल्यू जो है आपका हमें कनेक्शन किससे बनाना है हमें बाकी से कनेक्शन बनाना है तो w का एक और था हमारे पास दैट इज Q1 वन डैश माइनस क्यू टू डैश ये भी था तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम w की Q2 टू डैश माइनस क्यू वन प्लस क्यू वन डैश माइनस क्यू टू डैश इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये मिलेगा क्यू टू डैश माइनस क्यू वन प्लस क्यू वन डैश माइनस क्यू टू डैश ये तो कैंसल हो गया क्या बच गया आपके पास क्यू वन डैश माइनस क्यू वन ये बच गया अब देखो यहाँ से हमने निकाला था नेट हीट गेन्ड बाय द सोर्स ये थी जो ये गेन कर रहा था कितनी गेन कर रहा था क्यू वन डैश माइनस क्यू वन ये जो लॉस्ट कर रहा है वो कितनी कर रहा है क्यू वन डैश माइनस क्यू वन जो ये लॉस कर रहा है वही ये गेन कर रहा है है ना ये कितनी गेन कर रहा है Q1 वन डैश माइनस क्यू और इसको हमने सॉल्व करके देख लिया कि ये गेन कितनी कर रहा है ये भी Q1 वन डैश माइनस क्यू ही गेन कर रहा है ठीक है ये लॉस कर रहा है ये गेन कर रहा है ये गेन कर रहा है ये लॉस कर रहा है ठीक है अगर सेम हीट ही गेन और लॉस हो रही है दैट मीन्स वर्कडन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर तो वर्कडन का क्या रोल हुआ यानी कि हम काम ना करें तो भी तो जितनी इसने लॉस करी उतनी उसने गेन कर ली ये तो फिर थर्मोडाइनमिक्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग वायलेट हो गया है ना उसके अगेंस्ट चला गया कि भाई जितनी ये लॉस कर रहा है उतनी ये गेन कर रहा है तो वकडन का क्या रोल है हटा दो वर्कडन को है ना तो ये चीज़ क्या हो गई गलत हो गई ठीक है यहां से हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ अगेंस्ट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो जिस वजह से हमारी जो एजम्पन है कि हमने जो माना था कि ये वाली जो एफिशेंसी है इंजन ई की एफिशिएंसी ग्रेटर है कार्नॉट इंजन की एफिशिएंसी से ये हमारी एजम्पन जो है वो रॉन्ग है एंड नो इंजन कैन हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन द कारनॉट इंजन तो जिस वजह से यहां से हमारे पास क्या हो गया गलत हो गया ये प्रूफ ठीक है तो हम लास्ट में ये जरूर लिखेंगे कि ये अगेंस्ट है सेकेंड लॉ के थर्मोडाने में कि जितनी हम ट्रांसफर हम कर रहे हैं उतनी हमें मिल रही है बिना काम किए है ना जितनी ये गेन कर रहा उतनी ये लॉस कर रहा बिना काम करे ऐसा तो नहीं हो सकता है जिसकी वजह से जो हमने जंक्शन करी थी वो हमारी जंक्शन रॉन्ग है तो कभी भी कोई भी रिवर्सिबल साइकिल से इंजन से किसी भी और इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं हो सकती और यही था आपके कारनाट थ्योरम सो थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू